आरा शहर के महावीर मंदिर प्रांगण में जैसे ही लोग कुश रथ पहुंचा, वहां पे भक्तों की भीड़ लग गई। बता दें कि यहां के बाद रथ बक्सर के लिए रवाना हो गया। वहीं उसमें रथ में सवार कई भक्त भी मौजूद थे। वहीं महावीर मंदिर पहुंचने के साथ ही यहां पर भव्य स्वागत किया गया। उस रथ में जिलाध्यक्ष दुर्गाराज सहित कई लोग सवार थे। उस रथ में लोग उसकी मूर्ति भी रखी गई थी, राम जी की मूर्ति भी रखी गई थी। वहीं दूसरी तरफ पूरा शहर जाम हो गया रथ को देखने के लिए, तो जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे। आइए देखते हैं पूरा नज़ारा। का रथ जो है यहाँ पहुंचा हुआ है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश इकाई द्वारा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री सम्राट चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया है। और अयोध्या की तरह अयोध्या जाएगी यह रथ, यह लौकिक रथ यात्रा है। और हम लोग एक समाज को नया उदय और जय श्री राम उद्घोष के नारे के साथ भोजपुर में रथ का स्वागत किए और आगे भी स्वागत इसी तरह से राम जी का रथ लौह कुश का जो श्रृंखला बनाई गई और लौह कुश के रूप में इस रथ को आगे भेजा जा रहा है, वह रूप अयोध्या में पहुंचेगी। और माननीय सम्राट चौधरी बिहार में जिस तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, लौह कुश समीकरण को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाई को पहुंचाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार्दिक शुभकामनाएं। पटना से पटना चल संतोष कुमार पांडे, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा मंच जिला सभा। लौह कुश का रथ पहुंचा हुआ है यहाँ पे। हम लोग के लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद ये हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम लोग इस कार्य में शामिल होने का हम लोग को सबसे सौभाग्य मिला है। और ये हर जनता, हर पब्लिक को ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग राम जन्मभूमि रथ का हम लोग सहयोग कर रहे हैं, उसमें शामिल हुए, ये कार्य करने का मौका मिला है हर हिंदू महिला या पुरुष, ठीक है। और ये सबसे बड़ा चीज, ये 500 साल से हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कार्य करके हमारे राम जी को, जो रामलला जी को जो मंदिर का वहाँ पे प्राण निष्ठा हो रहा है, उनको जो कर दिया है, हम लोगों का हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं। और सारी महिलाओं को शामिल करके पूरी महिला मोर्चा टीम उनको धन्यवाद देती है कि हाँ, ये सबसे बड़ा, इतना बड़ा कार्य जो राम जन्मभूमि जो इतने दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो समय हमारा आ गया। 22 जनवरी को हमारे राम लल्ला जी को घर मिल जाएगा और हम सब हिंदू के लिए सबसे स्वाभिमान और सबसे शक्तिशाली दिन होगा वो। हम लोग उस दिन दीपावली मनाएंगे, फटाके फोड़ेंगे, जश्न मनाएंगे, हम लोग का खुशियों का पल होगा वो। ममता सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष, भोजपुर।